नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट, और आइए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का वर्क। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये जो हमारा लिंक थे सारे लिंक, इसमें आपको फुटर में जो टॉप कैटेगरीज नाम की एक हेडिंग थी, इसके अंदर जो भी लिंक आपको मिल रहे थे सारे डायनेमिक नहीं थे, तो इन सबको हम डायनेमिक कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोज़ में। अभी क्या करना है कि अभी हम चलते हैं अपने मेन पेज पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, अभी तो डेमोस्ट्रेशन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, जब अपना प्रोजेक्ट हम फाइनली करेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखकर वो सारा काम किया जाएगा। और क्या है यहाँ पे कि ये लिंक जो है इन सबको हम डायनेमिक कर चुके हैं हर पेज पे अपने। अभी क्या करना है कि अभी हम चलते हैं अपने से शॉप वाले पेज पे, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैटेगरीज की जो हेडिंग है इसके अंदर ये सारी लिंक, और आपकी ये जो मेन कैटेगरी की है इसके अंदर ये सारे लिंक, ये भी हैं स्टैटिक। तो अभी क्या करना है, हमें इस वीडियो में इन दोनों लिंक्स को करना है डायनेमिक। तो उसके लिए हम आते हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे ये सारी कर देते हैं क्लोज। अभी हमें मेन अपने होम पेज पे यानी इंडेक्स डॉट पी एच पी पे अभी क्या करना है कि यहाँ पे करना क्या था, डायनेमिक। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने इंक्लूड में, और यहाँ पे आते हैं साइड बार पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइड बार वाला पेज। अभी क्या है, फंक्शंस पे आते हैं और फंक्शंस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा फंक्शन, जिसमें एक फंक्शन हम बना चुके थे अपना गेट प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को रिट्राइव करने के लिए। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लोज हो रहा था, और यहाँ से अपना एक नया स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है, ये हो गया अपना प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शंस, है ना। यहाँ पे चलते हैं और बनाते हैं एक अपना फंक्शन। फंक्शन कौन सा होगा, गेट पी कैट नाम से होगा, गेट पी कैट, गेट पी कैट्स, गेट पी कैट्स, है ना, गेट पी कैट्स। और देन यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं अपना कोड। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है उसको हम करते हैं ग्लोबल डीबी के नाम से, इसको जिससे हो जाएगा वो ग्लोबल। अब एक क्वेरी लिखते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो भी उस टेबल में डेटा है उसको हम रिट्राइव करने के लिए यहाँ पे एक क्वेरी चलाते हैं गेट पी कैट्स के नाम से। और इसके अंदर हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं जैसे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। एक बार आप डेटाबेस अपना ओपन कर लो ना, और उसमें देख लो कि सारी चीज़ें सेम टू सेम है, वरना अगर टेबल नेम आपने गलत कर दिया ना तो फिर सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। यहाँ से ओपन कर लो पी एच पी माई एडमिन, ठीक है, चलते हैं इस पर से, अभी तो सही है मेरे ख्याल से। तो ये हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं, इसको हम रन करवाते हैं, रन रन पी एंड कैट्स, ठीक है, रन पी कैट्स। यहाँ पे एक फंक्शन है अपना माई एस क्यू एल आई क्वेरी का, ठीक है। इसमें हम पास करेंगे भी टू पैरामीटर, एक होगा आपका कनेक्शन का, क्योंकि कनेक्शन के साथ ही जाता है ना लेकर के सारी चीज़ों को, सॉरी कनेक्शन नहीं, यहाँ पे डीबी होगा ना, ऊपर डीबी है, तो यहाँ पे पास करेंगे डीबी को, और दूसरा ये जो भी है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या करना है, डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर। ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे ये ई कॉम में जाते हैं, और प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स है, और ये कैटेगरीज है, ठीक है, ओके, अच्छा। यहाँ पे अभी क्या है, अब इसके आगे आते हैं, और जो अपना
वाइल लूप है वो चलाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना जब एक से अधिक डेटा होते हैं तो उनके लिए वाइल लूप की ज़रूरत हो जाती है। अब इसको हम एक रो में स्टोर करवाते हैं, जो डेटा वहाँ से खिंच के आएगा हमारे डेटाबेस से, रो पी कैट्स के नाम से रख लेते हैं उसको, और यहाँ पर देते हैं कि माई एस क्यू एल आई फेच फेच एरे, ठीक है फेच एरे हो गया, और यहाँ पे इसको भेज देते हैं ऐसे। क्या हुआ, ये जो क्वेरी थी ये क्वेरी माई एस क्यू एल आई क्वेरी की मदद से डेटाबेस का एक रेफरेंस ले करके गई डेटाबेस में, और वहाँ से जो भी इसको मिला वो ला के स्टोर करवा चुकी है। इसमें वाइल लूप के ज़रिए क्या हुआ कि इसमें क्योंकि आ गए बहुत सारे डेटा, तो इसमें जो ये लिंक थी आपकी माई एस क्यू एल आई क्वेरी ये चली, तो इसमें आया सारा डेटा। अब हम माई एस क्यू एल आई फेच एरे में इसको पास कर चुके हैं, और इससे एक एक, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा थे, वो फेच एरे कर करके एक एक डेटा को स्टोर करवाएगा इसमें एक एरे के रूप में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी फील्ड थी उन फील्ड को हम, जैसे पी कैट आई डी एक ले लो आप, पी कैट आई डी, और इस पी कैट आई डी में एक दे दो आप अपना रो पी कैट्स, ठीक है, देन की बनाओ और पी कैट आई डी, आई थिंक यही है, देख लो आप एक बार प्रोडक्ट कैटेगरीज और पी कैट आई डी, सही है पी कैट आई डी है, पी कैट टाइटल है, पी कैट डिस्क्रिप्शन है, ओके पी कैट आई डी हो गई। इसी को कॉपी कर लो एक बार और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो, पी कैट टाइटल हो जाएगा, ठीक है पी कैट टाइटल हो जाएगा। आफ्टर देन कंट्रोल लिस्ट सेव करो, इको करो, ठीक है क्या इको करो एल आई के रूप में, यहाँ भी एल आई क्लोज आपकी, ठीक है एल आई में एक क्लो अपना एंकर टैग, एंकर टैग भी क्लोज कर दो सिंपली, और यहाँ पे रख लिखो रेफरेंस, क्योंकि आप एक बार वहाँ पे डबल कोट्स लगा चुके हो तो यहाँ पे आपको लगाना है सिंगल कोट ही। और अब यहाँ पे रेफरेंस आप दोगे किसका, शॉप डॉट पी एच पी का, और इसके साथ एक वेरिएबल पास करोगे पी अंडर स्कोर कैट का, और इसमें क्या दोगे आप पी कैट में एक ये वाली आईडी आप पास कर दो, क्योंकि वो यूनिक आईडी लेकर के जाएगा ना, यूनिक आईडी तो यही होगी पी कैट आईडी, और यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो प्रिंट करा दो, सिंपल सी बात पी कैट टी आई टी एल ई टाइटल, रोल सी, और यहाँ पे इसको प्रिंट कराओ, कंट्रोल एस टू सेव कर दो, ठीक है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये जो कुछ हमने किया वो हुआ भी या नहीं, कंट्रोल एस टू सेव करते हैं। तो आप देखिए ये जो है आपका आ तो रहा है यहाँ पे, ओह सॉरी एक्चुअली वहाँ पे हमने कर तो दिया ना, लेकिन इसको भी कॉल नहीं किया है क्योंकि ये भी स्टैटिक ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो है आपके साइड बार में ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ लिखी है ना, तो इसको यहाँ से हटाओ, मैं भी ना कभी कभी थोड़ा सा लगता है डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ओके कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पे हमें कॉल करना है उस फंक्शन को जो फंक्शन हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, मीन ये अभी आप इसको देखोगे ना अब रिफ्रेश करके, तो अब ये गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप जाओ के साइड बार में और यहाँ पे इसको कर लो कॉल, कंट्रोल एस टू सेव, यहाँ पे इसको सेमी कॉलन टू क्लोज, देन ऐसे करो तो देखो क्या होता है, आ गया, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे पी कैट आई डी लेकर के वन जा रहा है, नीचे आप ध्यान दो टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं फुल्ली डायनामिक, ओके। अभी चलते हैं अपने कैटेगरीज पे, इस पे, और इसको करते हैं डायनामिक, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं, सेम टू सेम, जैसे ये हुआ है वैसे ये भी होगा। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरीज थी आपकी, कंट्रोल सी इसको कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो रहा होगा शायद क्लोज,
यही कर रहा है कोर्स। इसके नीचे आओ, यहाँ पे कमेंट डालो, यहाँ पे केवल डालो कैटेगरी, क्योंकि ये तो केवल है कैटेगरी ना। उसके बाद में एक फंक्शन क्रिएट करो, कौन सा, गेट कैट। ओके, फंक्शन के अंदर आ जाओ, यस करो, ग्लोबल करो, ग्लोबल करो किसको, डेटाबेस को, डीबी हो गया। फिर क्या करना है, गेट अंडरस्कोर कैट, क्योंकि अब लेना है कैटेगरी को। यहाँ पे क्वेरी चलाओ, क्या लिखो, सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल, एस्टेरिक मीन्स ऑल होता है ना, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें, फ्रॉम कैटेगरीज कैटेगरीज। ओके, अभी क्या कर लिया, जितने भी डेटा है कैटेगरी में उन सबको हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अभी क्या करना है, अब इनको रन करना है। ओ गेट कैट, पिछले में भी डॉलर नहीं लगाए थे, इसमें भी नहीं लगाए हैं, क्यों। अब क्या होगा, रन कैट यहाँ पे MySQLi क्वेरी, क्वेरी में कौन कौन सा पैरामीटर पास होगा, फर्स्ट होगा डीबी, सेकंड होगा आपका ये क्वेरी। ओके, रोलेस्ट टू सेव, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करेंगे, वाइल लूप बनाएंगे, वाइल लूप बना के क्या करेंगे, रन कराएंगे, रो कराएंगे, रो है ना, रो 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 कैट, रो कैट MySQLi फेच एरे, ठीक है, फेच एरे किया, कौन सा, ये, और इसको यहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ से आ गया ये इसमें एरे के रूप में। अब क्या होगा, अब इससे हमें, क्योंकि वो आ गया है एरे में, तो इससे हम चीज़ों को फाइंड करेंगे, पहला कौन सा, टाइटल, और दूसरा, पहला आईडी और दूसरा टाइटल। तो कैट कैट आईडी इक्वल ये ले लो, क्योंकि सारा डेटा तो आके पड़ा है इसमें, और किसके रूप में है, की के, मतलब एरे के रूप में है, तो की से ही तो उसको हम लेंगे। यहाँ पे क्या डाल रखा था, कैटेगरीज में कैट आईडी और कैट टाइटल, नो प्रॉब्लम, सिंपल सा, कैट कैट आईडी, एंड इसी को एक बार कॉपी करो, कंट्रोल सी, जाओ कंट्रोल वी, और कैट टाइटल यहाँ पे कर दो, टी आई टी एल ई, नो प्रॉब्लम, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस टू सेव। इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, इको करा दो, किसको इको कराना है, एलआई के रूप में, ठीक है, एलआई के रूप में, और यहाँ पे एलआई एस से, देन क्या करना है, एक एंकर टैग बनाना है, और उस एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज भी कर देना है। इसका क्या करना है, हाइपर रेफरेंस कहाँ पे, शॉप डॉट पी एच पी पे, क्या लेके, वेरिएबल, गेट वेरिएबल लेके, क्या होगा, गेट आई डी, कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, इसमें क्या प्रिंट कराएंगे, कैट टाइटल, कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ये है, कंट्रोल एस टू सेव कर दिए, आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए, कुछ होता है तो देखा जाएगा, कहाँ जा रहे हैं हम और कहाँ जा रहे हैं आप, आइए फिर से गलती, साइड बार में चलो, साइड बार में ये है आपका ये, इसको करो यहाँ से डेल, कंट्रोल एस टू सेव, यहाँ पे आए, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से सारा कुछ है गायब। अब यहाँ पे कर लेते हैं कॉल अपने फंक्शन को, जो फंक्शन यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, और करेंगे किसके अंदर, पीएचपी के, उसको हमारी लैंग्वेज तो समझ में आएगी ना, उसको तो पीएचपी की लैंग्वेज समझ में आएगी। चलो कोई नहीं भाई, डोलेस टू सेव, करो रिफ्रेश, और देखो क्या होता है, आ गया भाई। अब ये है मैन, यहाँ पे देखो कैट आईडी लेकर एक जा रहा है ये, ठीक है, ओके।
ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं इसमें फास्ट, इस वजह से थोड़ा सा हम चलें क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहे हैं। बाकी जहाँ पे डीप में जाने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे बिल्कुल जाएंगे, डोंट वरी। ये वीडियो हमारा काफ़ी, वीडियो क्या, ये प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी लंबा होने वाला है, नियर अबाउट 400 से 500 वीडियो होंगे इसमें। तो बहुत ज़्यादा आप ये ना मान कर चलिए कि हम जो है एकदम छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि पता है कि ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, एक नॉर्मल सा क्रिएट चल रहा है, क्रिएट हो रहा है, रीड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जब वो सारी बातें आ जाएंगी कि आपको डीपली किसी चीज़ में मुझे लगेगा हाँ यहाँ पे बताना चाहिए तो ज़रूर बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।